इंदौर में विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा पत्नी को तलाक देकर उससे अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में महिला थाना पुलिस द्वारा जांच कर आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वहीं आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता महिला द्वारा महिला थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई। 2008 में मोमिन नामक एक व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन तक तो काफी अच्छा माहौल रहा, लेकिन उसके बाद मोमिन उससे मामूली सी बातों को लेकर विवाद कर उससे मारपीट करने लगा, जिसके बाद पीड़ित महिला अपने मायके में रहने लगी और कुछ दिनों के बाद पारिवारिक रजामंदी के अनुसार तलाक ले लिया गया। लेकिन तलाक होने के बाद भी मोमिन उसके मायके आकर उसके साथ मारपीट कर उसके पास जो मोबाइल में अश्लील वीडियो थे उसे वायरल करने की धमकी देने लगा और फिर उसने कुछ लोगों को यह वीडियो वायरल भी कर दिए। इस पूरे मामले में पीड़िता ने मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर पूरे मामले की शिकायत महिला थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करते हुए पति को नोटिस जारी किए हैं। आरोपी पति का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है ताकि तमाम जाँच की जा सके। कल एक पीड़िता आई और उसका कहना था कि उसकी जो मैरिज हुई थी, मैरिज में अभी वर्तमान में 2 साल हो गया है, उसे तलाक हुए क्योंकि पति बहुत ज़्यादा परेशान करता था, तो उससे तंग आकर उसने तलाक ले लिया। उसके 3 बच्चे थे जिसमें से 2 पति के पास हैं और 1 इसके पास हैं। उसके बावजूद भी पति ने हालांकि दूसरी मैरिज भी कर ली है, बट वो फिर भी इसको काफ़ी परेशान करता है और काफ़ी धमकाता है, बच्चे को ले जाने की धमकी देता है। अब माँ है, उसके पास 1 ही बच्चा है, वैसा तो संभव नहीं है। तो और उसके अलावा वो कुछ जब इन लोगों के रिलेशन, मतलब पति पत्नी के अच्छे रिलेशन थे, तब के कुछ वीडियोज़ को इधर उधर भेजने की धमकी भी देता है। इस तरह की उसकी शिकायत थी और इस शिकायत पर जब उसने दस्तावेज भी प्रस्तुत किए तो वाकई उसने बहुत ही बुरी हरकत कही है। तो आईटी एक्ट के तहत इसमें FIR की गई है, जिसमें 67, 67A, 66A ये सारी धाराएं उसमें लगी हुई हैं।